हेलो फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन में अगर आप चिकन बर्गर या तो स्लाइडर मिस कर रहे हो तो घर बैठे आप ऐसे टेस्टी चिकन स्लाइडर बना सकते हो। वेलकम टू डिपेंस डेलिकेसी, चलिए रेसिपी देख लेते हैं। चिकन पैटी बनाने के लिए पहले हम 200 ग्राम चिकन कीमा लेके उसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर उसमें 10 ग्राम चॉप्ड गार्लिक, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, एक चौथाई टीस्पून हींग और फ्रेशली चॉप्ड धनिया लेके मिक्स कर लेंगे। चिकन कीमा अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम हाथों में थोड़ा सा तेल लेके करीब 65 ग्राम मिक्स चिकन कीमा लेके उसको एक राउंड शेप देंगे। फिर ऐसे दबा के हम एक पैटी बना लेंगे। नेक्स्ट हम एक ग्रिल पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल या तो बटर लेके पैटीज को फ्राई करेंगे। हमें करीबन 10 मिनट तक पैटीज को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। अभी इसे हम फ्लिप कर लेंगे। अब देख सकते हो कि प्रोमिनेंट ग्रिल मार्क्स आ गया पैटीज के ऊपर। अभी हम इसी तरह दूसरे साइड को भी पका लेंगे। अभी हम चीज स्लाइसेस को पैटीज के ऊपर डाल के मेल्ट कर लेंगे और इस स्टेज पे पैटीज को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम अनियंस और टमाटोज को रिंग्स में काट लेंगे और कैबेज को श्रेड कर लेंगे। अभी ग्रिल पैन में 1 टेबलस्पून बटर डाल के बंस को टोस्ट कर लेंगे। बन टोस्ट हो जाने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। फिर टोमेटो रिंग्स को प्लेस करेंगे उसके ऊपर और फिर अनियन रिंग्स को साइड बाई साइड प्लेस करेंगे। फाइनली हम उसके ऊपर चीज़ कोटेड पैटी को डालेंगे और ऊपर से श्रेडेड कैबेज डालेंगे। अभी हम क्राउन में मस्टर्ड सॉस या तो केचप डाल के ऊपर प्लेस कर देंगे और फाइनली हम क्राउन के ऊपर बटर ब्रश करके थोड़ा सा सेसमी सीड छिड़क देंगे। बन गया आपका लजीज चिकन स्लाइडर, जिसके हर एक बाइट पे आपको हर एक फीलिंग का मज़ा आएगा। तो अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दीपंस डेलिकेसी।